taking off on a plane. Chal, chal, chal. मम्मा ना मम्मी पहले से सोचा ना कुछ खाइए भूख लगी। हाँ तो हिंसा तो निकट जाऊँ। चुप हो जा। मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगी। पता दरअसल रोजाना अब लोग बातों के ही जा रहे हैं, मैं ऐसे सूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी जब तक वो होता है ना कि किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता तब तक आदमी का जो है ना माइंड फ्रेश नहीं हो जाता, शांत नहीं होता, तब तक है ना किसी चीज़ का मन नहीं करता, वही चल रहा है। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, मैं बोल रही थी ना मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, मैं कहाँ कहाँ घूमी, कितनी मैंने दिक्कतें उठाई है। तो मैंने इसमें वीडियो में थोड़ी सी महिला थाने की क्लिप ऐड की है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जब किचन के बारे में मुद्दा उठा तो मैंने शिकायत जो है वहाँ पे कर दी भोपा थाने में, 112 नंबर उस टाइम आ गई और फिर कहा सुनी हुई तो वो लोग चले गए। उसके बाद में फिर ये लोग धमकी उमकी देते हैं, मैंने सब बताया था वीडियो में, तो फिर वहाँ कार्रवाई हो जाती है और वहाँ जो है प्रधान जी और हमारे घर वगैरह भैया भाभी ये सब लोग आते हैं। यहाँ पर खूब सारे लोग बैठते हैं, बात होती है प्रधान जी के घर पे, जब हमारे भैया भाभी आते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं रखूँगा, ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। वहाँ से फिर ये लोग जो हैं मेरे जो है भैया भाभी नेक्स्ट मंथ सॉरी नेक्स्ट डे फिर थाने में आते हैं, ताऊ चाचा के भी आते हैं उसी दिन, मतलब हाँ उसी दिन ये बात हो गई थी। और फिर वो लोग पहले थाने में ही आए थे, फिर यहाँ बैठ के बात हुई तो इन्होंने सब चीज़ें मानने को करने को मना कर दिया। फिर प्रधान जी ने बोला कि हम समझाएंगे, कहेंगे, ये सब चीज़ें करेगा, फिर ये बात हो गई। फिर उसके बाद में फिर से ये मतलब क्या होता है, ये मुझे बोलते हैं कि तुम्हें लेने आ रहा हूँ, भाई को हवा करने को कहा था मैंने, ठीक है उठ जाएगा, वो वीडियो नहीं बना देने का, फिर ले इससे कर दे, ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा मैं तुझे लेने आऊँगा, ये लेने नहीं आया, इनका फ़ोन बंद हो गया, एक हफ्ते तक ये ऐसे गायब रहे, मैं परेशान रही फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ है, किस हालत में है, मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मैंने ना यहाँ पे भोपे थाने में कितने चक्कर लगाए, बोला कि आप है ना मेरे हस्बैंड को लाओ, कहाँ गए भाई मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, लड़ाई अपनी जगह थी पर मुझे वो चाहिए, और कल कुछ बात हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार परिवार वाले मुझे ठहराने बैठ जाते और जिसमें उसमें मेरा कोई रोल भी नहीं था, तो मैं ऐसे बोलती रही तो आ जाएगा फिर यहाँ पे जो है थाने के जो इंचार्ज हैं हमारे यहाँ के जो जिन्होंने हमारे हल्के का जो है वो ले रखा है, फिर वो आए, उन्होंने कहा ठीक है मैं बुलवाता हूँ। फिर इनके जो भाई हैं सुनील, उनको बोला बोला गया तब ये आए, इनका फ़ोन आया फिर ये आए, मैं आ गया, मैं नौकरी करने गया था, मैंने कहा आप कहीं भी गए थे बता के जाते भाई, ऐसे पिन बताए या जिम्मेदारी उठाए बिना आप कैसे कहीं जा सकते हो, ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में फिर भी मतलब रहना हमारा हराम रहा, इनकी मम्मी जाके हमारे खिलाफ़ कंप्लेन कराती है कि ये बहू नू कर रही है वो कर रही है, और जिसमें हमने ऐसा कुछ बेटे ख़राब क्यों कर रही है उन्हीं, जिसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बिना मतलब कि एक मुद्दा बना दिया गया। फिर कोई बात नहीं, फिर पुलिस आती है हमको बोलती है, फिर हमारे साथ में फिर से वे ड्रामेबाजी शुरू हो गई, इनके जो भैया आते हैं और हमारे साथ यहाँ फिर से बदतमीजी करते हैं, आप लोग पूछ भी रहे थे क्या हुआ था, बदतमीजी की गई हमारे साथ में और इनकी गैर मौजूदगी में, हस्बैंड की गैर मौजूदगी में, तो उस चीज़ को लेकर मैंने फिर मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे यहाँ भोपा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी ढंग में, कोई कार्रवाई ढंग में नहीं हो पा रही थी। फिर मैं यहाँ से पहुँच गई कचहरी, तो देखिए जिस चीज़ का मैंने कभी मुंह नहीं देखा, कचहरी कैसी होती है, क्या होता है कचहरी में, कहाँ कप्तान सर बैठते हैं, कहाँ कौन से सर बैठते हैं, जिसका आज तक नहीं पता। अब से पहले दो बार मैं इन्हें काउंसलिंग के लिए मुजफ्फरनगर जो है महिला थाना है उसमें भी लेके गई, जो अंदर कचहरी में है काउंसलिंग रूम उसमें भी लेके गई हूँ, वहाँ भी बात हुई गई, लिखा गया था इन्होंने बोला था मैं करूँगा, वहाँ से भी हट गए अपनी जिम्मेदारी से। फिर अब जब सब रास्ते बंद हो गए तो मैं पहुँची थी, मैं कचहरी में पहुँच गई जिसका मैंने कभी मुँह नहीं देखा, ये नहीं देखे कितने दरवाजे कहाँ को निकलते हैं और कहाँ को बढ़ते हैं, इन्होंने इतना मजबूर कर दिया मुझे कचहरी का मुँह देखना पड़ा। वहाँ से मैं एक वकील से मिली और फिर मैंने एक एप्लीकेशन अपनी लिखाई और वो मैंने कप्तान सर के यहाँ पहुँचाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, मैंने उसमें ये भी लिखाया कि जो है मेरे हस्बैंड सर पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मुझे इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं बार बार सबसे एक ही बात बोलती थी कि उन्हें बुलाओ, मैं उनसे ही बात करूँगी, जब तक भाई नहीं आएंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा, कल कुछ हो जाता है तो फिर आप लोग मुझे ब्लेम देने लगो, तो एक बार आके फिर चाहे नौकरी पे चले जाए, अपना हमारी जिम्मेदारी सही मायने में जैसे उठानी चाहिए वैसे उठाकर, ठीक है। ये सारी बातें हुई तो जैसे मैं कचहरी पहुंची तो कचहरी में इतनी भीड़ भड़ाक, रोज़ का मेरा काम, कभी थाने जाना, कभी महिला थाने जाना, कभी कचहरी जाओ, कभी महिला थाने जाओ, कभी भोपाल थाने जाओ, तो सही तरीके से मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मैंने जो ऑनलाइन रिपोर्ट होती है वो मैंने कर दी, योगी जी के यहाँ जो ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है
वो मैंने की 176 रुपये, और अपने लिए मदद मांगी मैंने, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है सुनवाई होगी और आपकी रिपोर्ट महिला था मतलब जो है आपके उपाध्यक्ष जो हैं थाने के, उनको संपर्क किया जा रहा है, भेजी जा रही है। पता नहीं वो लोग क्या बोलते थे क्या नहीं इस चीज़ को लेकर के सुनवाई हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही मैटर चलता रहा। फिर यहाँ घर वाले आ गए, इनके घर वाले फिर क्या बोलते, इसको 6 बीघे ज़मीन दे दो, कर्जा दे दो, ये कर्जा उतारेगी। भाई मैं कहाँ से 6 बीघे ज़मीन में कर्जा उतारूँगी, मतलब मैं बच्चों को पालूँगी या कर्जा उतारूँगी? 6 बीघे ज़मीन दे दी तुमने, कर्जा दे दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? और इनको कोई काम ही नहीं दिया कि भाई तू भी कुछ काम करेगा या तू भी कर्जा उतारेगा या इसके साथ मिलके कर। मैंने यहाँ तक बोला कि साथ मिलके करेंगे तो ठीक है भाई, अच्छे से फसल में करेंगे, कर्जा उतर जाएगा, साथ मिलके रहेंगे। नहीं मुझे तो रहना नहीं है, मुझे तो ये वो ये सब चीज़ें उन्होंने बोल दी। मैंने कहा ठीक है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इन फिर यहाँ पे बात हो जाती है, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि 3 बीघे ज़मीन देता हूँ, तुम 3 बीघे ज़मीन ले लो, बोलो, लिखवा लो स्टाम्प पर, मैं लिखवा के लाती हूँ, साइन करने से मना कर देते हैं। पता है यार, सच में मैंने अपनी लाइफ में कभी कोर्ट कचहरी के मुँह नहीं देखे, कभी मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखे, और अभी इस महीने में ये 2 दिन तो गए हैं ऐसे। आज भी मैं कहीं गई थी, फिर बताऊँगी, ये 2 दिन तो ऐसे गए हैं जिसमें मैं कहीं नहीं गई हूँ। 1 महीने से बराबर मेरा भाई मेरे पास था, और बराबर मैं उसके साथ कभी महिला थाने, कभी कचहरी, कभी कप्तान सर के यहाँ। कप्तान सर के यहाँ तो मैं 2 बार ही गई हूँ, और ऐसी बात नहीं, वहाँ होती है सुनवाई। मैं मानती हूँ वो महिलाओं के मामले में बहुत सख्त हैं, ठीक है। मैं इधर उधर यहाँ भोपा थाने में 1000 पर गई, महिला थाने में गई कि हाँ मैं जाती हूँ, ये जाते नहीं थे, मैं जाती हूँ, ये जाते नहीं थे, ये चल रहा था। सही तरीके से कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने सर के यहाँ जो एप्लीकेशन डाली तो उसमें सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो मतलब मैं परेशान होगी, जिसने कभी है ना वकीलों के चैम्बर नहीं देखे, कभी कचहरी नहीं देखी, कभी SPD SP कौन सा होता है, SP कौन सा होता है, ये नहीं जाना, बस दूर से ही पता है कि बड़ा अधिकारी होता है, छोटा ही होता है। जिसने कभी ये नहीं देखा कि सलाखें कैसी होती हैं, कहाँ किसको रखते हैं, कहाँ बोलते कि मुजरिम को रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, कहाँ आम इंसान को कहाँ ले जाकर उतारते हैं, जो जेल में होते हैं उनको कहाँ उतारते हैं, उनके कहाँ कहाँ अंदर जाते हैं, उनसे मिलने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं पता था। सब चीज़ें मैंने कचहरी में जाकर देखी। 1 महीना बराबर मैंने अपने पैर घिसाए, धूप, कड़ी धूप में, कड़ी दोपहरी में, भूखे पेट में अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल गई। सुबह से शाम हो गई, 2-2, 3-3 घंटे थाने के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के बाहर खड़े हैं, अपनी सुनवाई के लिए भीख मांग रहे हैं। मतलब इतनी तंग मैं रही हूँ 1 महीना। और मैंने एक चीज़ और देखी, बुरे वक़्त में कोई साथ नहीं देता। बुरे वक़्त में तो कहते हैं ना अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपनों ने जितना 1-2 बार किया बस फिर सब कि भाई हम थक चुके हैं, हम क्या करें, वो सुनता नहीं है, करता नहीं है, ये वो। ऐसी बात नहीं है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। अगर कोई किसी को परेशान करेगा, दुखी करेगा, प्रेरित करेगा, तो कानून ज़रूर उस पर ना कार्रवाई ज़रूर करेगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद नहीं हारी इस चीज़ से, क्योंकि मुझे है ना, मैं एक दिन बोल रही थी कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, बस मैं या तो बैठ जाऊँ या फिर कुछ समाधान नहीं निकले। तो मुझे सब लोगों ने बोला कि अगर आपने कदम उठाया तो वापसी नहीं लेना जब तक कुछ समाधान नहीं निकलता। अगर आज आप वापसी करोगे तो आपकी हार है, आप लड़ भी अपने बच्चों के लिए रहे हैं। हार जीत की तो चलो देखी जाए, पर बात मेरे बच्चों के भविष्य की आ जाती है। अब रही मेरी बात, मैं आप लोगों के घर जाके, कहीं भी किसी के घर जाके 2 रोटी मजदूरी करके खा लूँगी, पर जो 2 पेट मेरे साथ बन गए उनको किसके हाल पर छोड़ दूँ मैं? और यह नहीं है कि हर कोई मर्द फिर तो ऐसे ही करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, लेडीज़ को छोड़ देगा। तो ये तो किसी कानून में नहीं लिखा, ये तो लिखा है कि जब शादी करके लाए हो तो घर वाले की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिट्टे भाई को हवा करने कहूँ तो और काम कर रही है, उठ जाएगा, ठीक है ना, वीडियो नहीं बना दे रहा। तो ठीक है ना, सबकी जिम्मेदारी बनती है, अपनी घर वाले की जिम्मेदारी उठाने की, वो करने की। यार मैंने इतने, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस 1 महीने में इतने वकील, कोर्ट कचहरी, पुलिस, जेल, थाने, महिला थाना, बस आज निकल मैं आ जाऊँगा, इसने उन्हें बहाना लगा दिया, आज निकल आ जाऊँगा जी, मेरी तबीयत ख़राब है, अभी काउंसलिंग के बुला रहे, अभी ये बुला रहे, वो बुला। मतलब जितने भी छोटे से बड़े कर्मचारी थाने में बैठते हैं, सबसे मिली, सबसे बात करी, सबको बोला, बहुत ज़्यादा परेशान रही। इसे 1 महीने में मैंने दुनिया का सबसे हाँ वो कहते हैं ना, बेकार समय देखा इस महीने में। कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय मैंने इस 1 महीने में देख लिया, और मैं अभी भी देख ही रही हूँ। अभी क्या ना देखा, अभी तो देख ही रही हूँ, अभी तो जब तक कुछ समाधान ना निकल जाए देखना ही है। बस अब चल रहा है प्रोसेस, जो भी होगा सो आप लोगों को पता चलेगा।
पर कुल मिला के कचहरी में जाना, थाने में जाना, महिला थाने में जाना, फिर कचहरी में जाना, फिर वकील द्वारा जाना, फिर दो दिन बराबर कप्तान सर के ऑफिस में दो दो तीन तीन घंटे बच्चों को लेकर थाने के बाहर खड़ा होना, घूमना फिरना, भीख सी मांगना, खड़े होना। अब एक ही तो आदमी नहीं है कि एक की सुनवाई होगी, सबकी सुनवाई सबकी सुननी पड़ती है, सबकी करनी पड़ती है। अब ये तो नहीं है कि केवल हम ही हैं, हमारी ही समस्या सुनी जाएगी। पर मतलब मैंने देखा है यार, बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, इतनी आसान नहीं है लेडीज़ की ज़िंदगी। और अकेली लेडीज़ दो बच्चे लेके दर दर की ठोकर खा रही है, परेशान हो रही है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? एक अकेली लेडीज़ दो बच्चों को लेकर भूखे पेट सुबह निकल गई, शाम को खाना मिला, बच्चे भूखे मारे भी लग रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं, खाने के लिए मांग रहे हैं, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी पानी चाहिए, खिलाती हूँ, दिला खिलाती हूँ, पर बाहर के खाने से पेट भरता है, पेट तो घर के खाने से ही बढ़ता है। भरी धूप में खड़े हो गए मैं थाने के बाहर लेकर, दूसरी सफ़ेद वाली थाने के बाहर खड़े हो गए, दो दो घंटे खड़े हैं, बैठे हैं, किसी पुलिस वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं कोर्ट कचहरियों में, इधर से उधर इधर से उधर। इसे एक महीने में बहुत, ये महीना निकल जाएगा, अब जाओ और पाँच चार दिन। पिछले महीने की 15 तारीख से बात चल रही है, 15 क्या, जब रसोई बनाई होगी सही तरीके से तारीख भी याद नहीं है, तब से ये चीज़ें चल रही हैं। बदनसीब है वो औरत जिसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। भगवान अगर किसी को दुख दे तो उसे बच्चे ना दे, वो अकेला तो झेल लेगी, लड़ लेगी सबसे, पर जब दो बच्चे उसको दे दे भगवान, उसको दो बच्चे मिल जाए और उनका भी सारा करना होना, बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि अपने बच्चों को माँ छोड़ नहीं सकती, किसी भी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकती यार, मैं तो नहीं छोड़ सकती ना, और मैं लड़ भी इन्हीं के लिए रही हूँ, वरना मेरे को अपनी कोई टेंशन नहीं है। आदमी ये भी नहीं सोचता है कि वो इतनी परेशानी से गुजर रही है, दो बच्चों को लेकर इधर उधर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कितना कुछ मैं मतलब झेल रही हूँ, देख रही हूँ यार। मन है ना ऐसा हो गया है कि कुछ भी ना करूँ, कि सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ और बस। अब सर में इतना तेज दर्द हो रहा है बहुत, आज भी कहीं गई थी देखो, खाना भी नहीं खा पाए सही तरीके से पेट भर के, हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना, कुछ ना कुछ करना, ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं है। औरत बहुत संघर्ष करती है, पता, जब एक औरत माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, पर जन्म होने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, पाप भाग जाएगा अपने कर्तव्य से, माँ नहीं भाग सकती, वो इनको भूखा रख सकते हैं, मैं भूखा नहीं रख सकती। तो मैंने बहुत बहुत बुरी तरीके से एक महीने तक अपने तलवे दुखा दिए, एक महीना हो गया, बच्चे मेरे हार के हंकेड़ हो गए, खाना टाइम पर नहीं, सोना टाइम पर नहीं, टेंशन बाजी है बहुत। पर अगर कदम निकाला है तो पीछे नहीं हटाना चाहिए जब तक हम किसी लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि मैदान में आके पीछे हटना बुजदिल वाला काम है, बुजदिल बन के जीना मेरे बस की नहीं है, और मरना है तो शान से मरो, बुजदिल बन के ना मरो। चलिए फिर मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबी बात हो गई है।